अस्सलाम वालेकुम, सिद्दीकी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हो चुका है सहरी का वक्त, और अभी मैं गई थी अंदर मलिक को उठाने के लिए, तो मैं वहाँ से आई ऐसे हवा में तीर बनती हुई। उसने मुझे कहा कि जा रही हूँ यहाँ से, एक लात और घुसा दूँ। फिर क्या था भैया, हम तो आ गए क्योंकि हमें लात भी नहीं खानी ना हमें घुसा खाने। सो सहरी का वक्त हो चुका है और ये यहाँ पर पढ़ रही है तहज्जुद की नमाज, पढ़ चुकी और यहाँ पे ये बना रही है सहरी। और हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको बताइए कि कल कोफ्ते बने थे, तो कोफ्ते मेरा खाने का मन नहीं है। मुझे खानी है आलू टमाटर, सॉरी टमाटर प्याज और हरी मिर्च की चटनी, जो कि उस दिन भी खाई थी, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया अपने लिए। और मैं इसको कट करती हूँ, देखना भी आप। रेडी, ये बन चुकी हमारी चटनी। और फ्रेंड्स, कल का व्लॉग ना मैंने एंड कर दिया था, मतलब उसकी एंडिंग मैंने नहीं की थी। कल रात को मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मतलब कुछ खा लिया, मैंने कुछ भांग फांग के लड्डू, ऐसे तेज़ नींद आई मुझे, तो मैं फटाफट सो गई। फिर सडनली मेरी आँख खुलती है 11 बजे, जब ये मैडम फ़ोन पे बात कर रही इतनी तेज़ तेज़ कि पूरी दुनिया का एक शख्स उठ जाएगा, चिल्ला चिल्ला के फ़ोन पर बात कर रही रूबी बाजी से। रूबी बाजी करी, हाँ और तो ऐसे ही बस चलता रहा अभी फिलहाल। हाँ ऐसे ही कर रही थी, बिल्कुल यार ऐसे ही कर रही थी। चटनी बन रही है यहाँ पर मेरी, ये रही मेरी चटनिया और ये जाएगी इसमें चटनिया इसमें, हाँ इसमें बना दे क्या हो गया। और ये रहे कोफ्ते फ्रेंड्स, ये भी खा लूंगी एक, नहीं खाएगी तुम चटनी खाएगी यार, एक खा लेंगी। मैं पता नहीं, मन सा नहीं कर रहा था चटपटी चटनी खाने का, मन कर रहा था। मुझे बहुत कम तेल डाली, बिल्कुल हल्का सा है ना, बिल्कुल हल्का सा तेल, बस बस बहुत ही इतना। बन चुकी है फ्रेंड्स फाइनली, हम जा रहे हैं नीचे आज सहरी करने फ्रेंड्स। हमारा हो चुका है सहरी डन, इफ्तार कर लो। कल को फ्रेंड्स हम बिरयानी और साथ में बहुत स्पेशल रेसिपीज बनाने वाले, तो स्टे ट्यून जुमे के दिन। हाँ भाई कैसा लग रहा है, रौनक हो गई नहीं हो गई आज? मम्मी तो स्वाद आ गया नहीं तुम्हें? चलो उठा लो सामान अपना। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं वापस से ऊपर, चलो चलो सबरा सामान उठा लो। ये देखो अम्मी का जुगाड़, बर्तन धोने वाला देखो अम्मी का, अम्मी का बर्तन धोने वाला जुगाड़ देख। ये देखिए फ्रेंड्स, अम्मी के दो बर्तन है और हमारी किचन जो है पूरी इस वक्त ऐसे है खाली। चलो क्या हुआ हमारी मुन्नी को देखिए फ्रेंड्स, हम ना कब से उठे हुए से रो रही है। नहीं सभी उठ रही है, बताइए कब उठी थी, अभी उठी थी बताइए मेरी। हेलो चलो उठो। रोजे वक्त का वक्त जो है खत्म होने वाला है, यानी कि सहरी का लास्ट के 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से पानी पी लेते हैं और मुसल्ले पे तो बैठे नमाज पढ़ने के लिए। और ये फ्रेंड्स बन रहा है हमारा आज न्यू रेसिपी है हलवे की। हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, और इफ्तारी का वक्त बस होने वाला है थोड़ी देर में, अभी 6 बज चुके हैं और ये अम्मी कट कर रही है फ्रूट। और आज बनाई है फ्रेंड्स अम्मी ने फ्रूट चाट,
वैसे तो रोजाना हम बनाते थे, आज अम्मी ने बनाई है। हाँ नमक तेज हो गया था ना उसमें मसाला, इतनी बुरी लगी, बावे खड़ी खड़ी लगा। और कितनी अच्छी हवा चल रही है अम्मी, कितनी बढ़िया हवा चल रही है, मजा आ रहा है। ऐसा बनी ये इसने आई थी ना पुष्टा ने खराब करी थी, मुझे कम लग रही है अम्मी आज की फ्रूट चाट। बहुत है कम हो जाएगी, काम है अम्मी मैं कह रही हूँ ना कम है। इफ्तार करना है तुम्हें भी, एलू तो देखो एलू कितने आराम से बैठा है, देखी फ्रेंड्स को एलू इफ्तार करेगा, एलू कैसे बैठा था सर खान पे बड़े प्यार से। साढ़े छह बजने वाले और इनकी अभी तक पूरियां बन के नहीं पूरी हुई, दही फुल्की कटोरी ना कटोरी दो पकौड़ी। ओहो छत पे कितना मस्त मौसम हो रहा है, राहिदा ठंड लग रही है, ओहो अबू ठंड लग रही है, बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है वाकई में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इफ्तारी के बाद अब बनाया है मैंने व्लॉग, उसके बाद ना बिल्कुल इफ्तारी के बाद थकान हो जाती है, फिर थोड़ा आराम करो, थोड़ा सी पारा पढ़ा, उसके बाद फिर अजान हो जाती है, तो फिर हम पढ़ते हैं ईशा की नमाज, नमाज पढ़ो तरावी पढ़ो, उसके बाद कुछ खाना ना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। अब वो भी उठेगा, आहिदा भी उठेगी, रोजा रखेंगे दोनों जी। सिग्नेचर तो लाइट्स बंद होगी उसकी, नहीं लाइट्स अंधेरा हो रहा है पूरे साइड साइड में, सब जगह छत पे सब जगह अंधेरा हो रहा है। एलो देखिए हमारे एलो भी फ्रेंड्स इफ्तार वो सहरी कर रहा है, इफ्तार भी करता है सहरी भी करता है, इफ्तार भी करता है ना एलेक्स और सहरी भी करता है। आ जाओ चलो खा लो आप भी खा लो खा लो खा लो, आ जाओ हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। सो आज है फ्राइडे यानी कि रमज़ान का पहला जुमा, और माशाल्लाह से हमारी सबकी सहरी हो चुकी है, हम सब लोग सहरी से फारिग हो चुके हैं, अब जा रहे हैं वज़ू करने, वज़ू करके फिर हो जाएगा नमाज का वक्त, इतने कुरान पढ़ लेंगे और नमाज का वेट करते हैं। वैसे माशाल्लाह आज है कौन सा रोज़ा है नंबर चौथा, सो आज फ्रेंड्स चौथा रोज़ा है और तीन रोज़े माशाल्लाह अच्छे से बीत चुके हैं। तो कैसे गुजर रहे हैं रोजे, माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रोजे, तो बहुत अच्छे माशाल्लाह रोजे हो रहे हैं और चौथा रोजा आया और जो रोजा ऐसे ही मतलब बीत रहा है टाइम। सो बस हम वेट कर रहे हैं खाली, अभी नमाज वमाज पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आज फ्राइडे है, मैंने लिखने कहा था कि वो उठेगा उठेगा, मैंने उसको उठाया, भैया उसका वही रिस्पॉन्स, हमें नहीं उठना है हमें नहीं उठना है, नींद में पता नहीं क्या बड़बड़ाता है तो समझ में नहीं आता उसका। वैसे आज मैंने नहीं उठाया था, आज दूसरा उठा था, कैसा लगा? मैं तो भाई नॉर्मल उठा दिया, हाँ, दस बार उठाया है इसने और वो उठाने उसके बावजूद भी ऐसे होता है, नींद में ना उसको कुछ होश नहीं होता है, अभी भी सो रहा है मस्त मजे में और कुछ होश नहीं होता। फ्राइडे फ्राइडे निकल चुका है तो कहेगा फिर कि बस मैं अलविदा जुमा रखूंगा, हाँ लास्ट रखूंगा, नहीं अलविदा और मंजिला हाँ। दो रखेगा ना, जोड़ा बनाएगा ना, जोड़ा बनाएगा, चलो सही है, हम तो माशाल्लाह से सारे रख रहे हैं, माशाल्लाह से सारे रखेंगे इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाहु खैरन। अरे हज्जल खदीजा तो क्या होता है छी नमरा है फ्रेंड्स, नमरा एलेक्स आ गया, एलेक्स हेलो जहाँ पे हम होते इसको भी वहीं पता चल जाता है कि कहाँ पर है, नीचे से आ गया फ्रेंड्स, तुम्हारी आवाज़ सुन के ये नीचे था,
हेलो हमारे एलो को जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा फ्रेंड्स चले एलो भाई जहां भी लेटेगा ना वहीं पे एकदम फुल नींद में सो जाता है एलेक्स जहां भी लेट जाएगा बिल्कुल इसको होश नहीं है। अभी मैं नमाज पढ़ रही थी तो यहां पे लेट गया बिल्कुल एकदम। एलो चले नीचे बाबू देखो ये देखो ये देखो इसको एलेक्स चले चलो नीचे चलो 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 मम्मा पास चलो नीचे चलो। पता नहीं कितना सोतरू है ये लड़का देखो जहाँ भी लेट रहा है वहीं को गिर जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स हो चुकी है मेरी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोने जा रहे हैं उसके बाद आपको मिलते हैं इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या